ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਖੇਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਮਚੋਰ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां एक कबड्डी का आयोजन किया है जिसमें अलग अलग स्टेट्स की टीमें भाग ले रही है और बहुत ही अच्छा खेल यहां के जो खिलाड़ी जो साथी आए हुए हरियाणा और लड़कियों का मैच हुआ जिसमें हरियाणा विजयी हुआ और अभी हरियाणा के लड़कों का मैच निश्चित तौर पे इस तरीके की प्रतियोगिताओं से और जो प्रतिभाएं निखर के आती है जो नेशनल स्तर पे इंटरनेशनल स्तर पे जाकर के देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करती है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने की खेल नीति जो हरियाणा की है उससे अच्छी जो खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का काम किया है और उसके अब रिजल्ट भी आए हैं। चाहे ओलंपिक की बात हो चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना लोहा पूरे विश्व में मनाने का काम किया है। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਹੋਇਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ प्रदेश से छोटे बड़े भाई हैं लेकिन जो जहां तक विधानसभा की बात है विधानसभा जो पहले विधान परिषद जब होती थी ज्वाइंट पंजाब के अंदर वो जगह विधानसभा के हरियाणा के पास है और भी जितनी जगह हरियाणा के होनी चाहिए वो पूरी हरियाणा के पास नहीं है। पंजाब विधानसभा ने उस पर ज्यादा क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है और जहां तक सभा की बात है क्योंकि मैं हरियाणा के 90 MLA हैं और एक भी MLA और उसके अंदर ज्यादा नहीं आ सकता पूरी पूरी जगह पे उस पे है और इसी तरीके से कोई जो मंत्रियों के लिए कोई बैठने के लिए जगह नहीं है वहां कोई ऑफिस के लिए ना ही जो हमारे अलग अलग कमेटी के चेयरमैन होते हैं किसी भी चेयरमैन के लिए बैठने की अलग कोई व्यवस्था उसमें जगह ना होने के कारण से नहीं है। और जैसे आपको पता ही है कि आगे आने वाले 2026 के अंदर जब प्रीशिमन होगा तो हरियाणा की सीटें और ज्यादा बढ़ेगी तो उस हालात के अंदर इस विधानसभा के अंदर काम नहीं चल सकता। इसीलिए हरियाणा ने मांग करी है कि चंडीगढ़ के अंदर और दूसरी जगह देकर ले ली जाए और उसके अंदर नई विधानसभा भवन का जो है निर्माण हो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं भी अभी देख ली गई है और जल्दी है कि वो प्रोसेस के अंदर है विधानसभा के लिए जो है उसके अंदर बनाया जाएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज्यादा पॉलिटिकली सवाल नहीं पूछांगा क्योंकि पंजाब जो देखते हैं असि कबड्डी नू लैके पहले थे वर्ल्ड कबड्डी पंजाब दे विच हौले हौले घट गया पंजाब दी कबड्डी बारे सर्कल कबड्डी बारे की कहना चाहोगे? सर्कल कबड्डी बहुत अच्छी बात है कि जैसे अभी फेडरेशन के संरक्षक आदरणीय जेपी शर्मा जी से बात हुई है उनका एक विजन है कि अलग अलग जो देशों को खिलाड़ी आए तो निश्चित रूप से सर्कल कबड्डी की प्रमोट भी होगी और एक बहुत अच्छी बात है कि खासकर जो पंजाब है पंजाब मैं ये समझता हूं कि पहले पंजाब के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन कहीं न कहीं नशा जो है हमारे जो युवाओं को गर्त में धकेलने का काम कर रहा है। हम सबको मिलकर के नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है चाहे और दूसरे स्टेट है। आज बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे जो युवा साथी है वो नशे की तरफ काफी जा रहे हैं और पंजाब तो इस मामले में मेरे ख्याल हरियाणा भी ज्यादा आगे है। यही कारण है कि आज जो
जिस स्तर के खिलाड़ी पंजाब में पहले होते थे, मैं समझता हूँ कि आज नहीं है। उम्मीद करूंगा कि चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट, और ध्यान देकर के और हम सब मिलकर के, ये केवल कोई सरकारों का नहीं, समाज के हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को अवेयर करने का काम करें, नशे से दूर करने का काम करें, ताकि हमारे अच्छे खिलाड़ी भी और हमारे जो एक अच्छा समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण में करने के लिए नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गलबात करने। नमस्कार, थैंक यू। तो देख सकते हो कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा का भी कहना है कि पंजाब दे विच पंजाब दी ओ कबड्डी जो असीं परोड़ कबड्डी कहने हैं, मां खेल कबड्डी जिहड़ी आ ओह उस लेवल दे उत्ते नहीं है, सवाल ते है पर इहनूं सुधारिया जा सकता है ते हमले मारे जा सकते हैं। लगातार तुहाडे नाल इत्थों दी अपडेट, इत्थों दा मैच तुहानूं दिखाउंदा रहांगा। मैं जसिंदर सिंह खहरा, कैमरामैन वरिंदर जी दे नाल, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इस खेड मैदान तो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और इत्थे कबड्डी का मैच, यानी कि गलिए सीनियर नेशनल सर्कल कबड्डी जिहड़ा फेडरेशन है उहदे वल्लों एमएचओर कबड्डी जिहड़ी है एमएचओर कबड्डी सर्कल रजिस्टर एसोसिएशन दे वल्लों मैच करवाए गए। मेरे नाल सुरजीत सिंह मंड ने। मंड साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अच्छा, तुसीं वाइस चेयरमैन हो, पहलां तां इह देखो कि बड़ियां सोहणियां कबड्डियां ही वेखियां, किवें देखदे हो सारे मैच नूं? देखो जी, ये पंजाब दी जो हालात है, नशा और बहुत सारा यूथ जड़ी है वो बाहर जा रही है। ये जड़ी कबड्डी है ये साड़ी मिट्टी ना जुड़ी हुई गेम है, पुरानी, और ये पंजाब तो शुरू हुई सी ते पिंडा दे विच जदों छिंज पैंदी सी उदों दो ही गेमां खेड़दे हुंदे सी पिंडा दे गभरू, एक कुश्ती पहलवानी जिदे विचों दारा सिंह वर्गे पहलवान जड़े ने ओ वर्ल्ड दे विच आए ने, और दूजी जड़ी गेम है साड़ी ओ हुंदी सी कबड्डी। और इत्थे यूथ जड़ी है जड़े नौजवान बच्चे है उना दी ताकत दी जड़ी अजमैश हुंदी सी, पर समा ओ बदल गया और अज जड़ी यूथ है उसनू नशियां ते लाता है, और इस दा सब तो जड़ा आल्टरनेट है ओ असीं सोचा है पई इस पुरानी जड़ी है खेड कबड्डी इस नूं असीं प्रमोट करिए, और ए जड़ी साड़ी फेडरेशन है एमएचओर सर्कल कबड्डी फेडरेशन, ए पंजाब दी ए रजिस्टर्ड बॉडी, ए ऑल इंडिया नाल रजिस्टर्ड है, एशिया नाल है, और वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन दे नाल ए रजिस्टर्ड है। अच्छा, फंडिंग दा की हिसाब किताब है, क्योंकि 31वां मेला तुसीं करा रहे हो, पैसा भी बहुत लगता है। देखो अज तक एमएचओर दा मतलब है पे कोई एदी फंडिंग नहीं, कोई कितों सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट दी, ए असीं इधरों उधरों डोनेशन इकट्ठा करके अपने कोलों दोस्तां मित्रां तों लै के पैसे, ते ए असीं बच्चियां दी जिहड़ी खेड है इहनूं काम। तुसीं हैरान होवोगे कि ए जिहड़ी गेम है अज 30 पहलां हो गईआं, अज 31 जिहड़ी है ओह बड़े मतलब बड़े लोकां बच्चियां दे विच इक हौसले दे नाल एडी गेम अज दसदा जिहड़ी जे सारा मीडिया ने तुसीं देखी है, और सानू इस गल दी बड़ी खुशी है कि जिहड़ी यूथ है सारे इंडिया तों 12 स्टेटां आईआं ने जिन्हां दे बच्चियां ने लड़कियां ने सीनियर ने इहदे विच पार्टिसिपेट कीता और उहनां ने दौर विखाया, और इहदा जिहड़ा इफेक्ट है वह सारे मैं कहना इंडिया नहीं वर्ल्ड दे विच जांदा है कि पंजाब तो एक गेम शुरू होके अज इसने इंडिया एशिया और वर्ल्ड दे विच अपना नामना खटिया। अच्छा, बहुत जरूरी है कि पिंडा दे विच मैच कराने, पिंडा दे विच खेलना खिलाउणियां, तुहानू लगता है कि पिंडा पिंडा पिंड लैवल तो भी शुरू करना चाहिए काम? ये गेम जिहड़ी है पहला ही पिंड लैवल तो शुरू हुई सी, ते असी भी ये गेम नू दोबारा पिंडा तो शुरू करके पिंडा दे कलस्टर बना के उत्थे मैच करा के उन्हां चों चंगे प्लेयर जड़े ने उन्हां नू अगे लियावांगे, और असी सर्टिफिकेट जिहड़ा तैयार कीता है ये सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है हाई कोर्ट वल्लों प्रमाण हो गया, और इस सर्टिफिकेट दे नाल बच्चियां नू अगे नौकरी मिलेगी। हरियाणा गवर्नमेंट दे विच बहुत सारे बच्चे जिहड़े साडे ओह पंजाब अपना हरियाणा पुलिस च सिलेक्ट होए ने, रेलवे च गए ने, डिफेंस दे विच गए ने, और अगे भी बहुत वड्डा उत्साह पैदा हो रहा है, और जिहड़ा यूथ दा जिहड़ा बाहर नू इक लाइन लगी सी आईलेट्स कर लो बाहर जाओ, और इस नू थमण वास्ते असीं जिहड़ा ये शुरू कीता है, और असीं आस करदे हां कि सानू असीं इहदे विच बहुत वड्डी कामयाबी हासिल करांगे। चलो, उम्मीद है सानू भी यही है कि तुसीं वाकई कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं खास करके
पंजाब केसरी जगबाणी का मैं बहुत बहुत मशहूर हाँ, धन्यवाद करदा। और पर्टिकुलरली मैं अविनाश जी का, उन्होंने बेटे जी का बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्होंने साडा इन्ना वड्डा सहयोग दिता और सारे मीडिया राही जिहड़ा साडा जिहड़ा नां है उपर गया। यूथ दे विच इक नवी लहर पैदा होगी, एक नवा जोश पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एसी एमाचोर कबड्डी एसोसिएशन, सर्कल कबड्डी एसोसिएशन वालों कराया गया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच मेला, 31वां मेला आ। और मेले दे तुहानू मैच भी दिखाए, जिहड़े बड़े सोहणे मैच सीगे। मैं जतिंदर सिंह खहरा, कैमरामैन वरिंदर दे नाल, जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तों। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ 31ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ TRP ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਡਾਇਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਚ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੀ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ ਵੜਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਰੋਲ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਰੋਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ।